आम जनता है वो यही मान रही है कि ठीक है इसका संक्रमण तो फैल रहा है लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा इसके खतरनाक होने का जो सिलसिला वो भी बढ़ सकता है। निशा, लोग जागरूक है या उनको किस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है और क्या बातें खासतौर पर लोगों तक पहुंचाई गई है ताकि एक डर, एक सतर्कता लोगों के बीच बने? देखिए अर्पिता, दिल्ली में येलो अलर्ट की घोषणा कल दोपहर को कर दी गई थी। मेट्रोज में, बसों में 50% सीटिंग है, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग है और मार्केट्स जो है वो ऑड इवन पे की तर्ज पर चलेंगी। ऑफिसों में भी कहा गया है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ऑफिसों में 50% ही अटेंडेंस रहे। लेकिन अगर आप लोगों की देखें तो इतनी जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए और खासतौर से जो अप्रैल मई में दिल्ली में हालात उठे थे उसको देखते हुए डर जो होना चाहिए वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम इस वक्त बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं और मैं अपने कैमरा में नासिर भाई से बोलूंगी कि जरा पैन करके आपको दिखाएं। मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में हालांकि 50% सीटिंग है लेकिन जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है कि थोड़ा दूरी बरत के रहें, मास्क अपना पूरा पहन के रखें, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखें अगर मेट्रो स्टेशन के बाहर जो लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग मास्क को अपने नाक के नीचे लगाकर बैठे हैं, पूरा ढंग से मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं और ये मेट्रो स्टेशन से जो लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, विद्या माथुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। विद्या, कोरोना के केसेस तो सबसे ज्यादा देखिए महाराष्ट्र में है लेकिन ओमिक्रॉन का जो केस है वो 173 है, वहां पर किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से और किस तरीके के दिशा निर्देश? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो मुंबई से हैं। 55% आंकड़े जो पूरे महाराष्ट्र में आते हैं वो मुंबई से हैं और इसी वजह से कई सारे कर्व्स यानी कि रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही लगा दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू है, गैदरिंग्स बहुत बड़े बड़े, जैसे न्यू ईयर में भी हमने देखा था रेस्ट्रिक्शंस थे, बड़ी बड़ी क्रिसमस की जो पार्टियां होती है वो नहीं हो पाई और यही बात नए साल के लिए भी लागू किया गया है। यानी कि नए साल में भी लोग जश्न बड़े तौर पर बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं मना सकते, नाइट कर्फ्यूज हैं जगह पे। इसके साथ ही जिस तरह से दिल्ली में अभी फिलहाल लगाए गए हैं कर्फ्यू, वैसे तो नहीं है लेकिन जैसे मैं बता दूं इस वक्त मैं हूँ यहाँ बांद्रा का जो वंडरलैंड है जो कि आदित्य ठाकरे और राहुल कर्नल जो उनके कार्यकर्ता उनके साथ बनाया गया है, ये अगले 2-3 दिन के लिए ही है लेकिन इसे 8:30 बजे रात में बहुत जगमगाता हुआ ये जगह लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में, लेकिन 8:30 बजे से बंद कर दिया जाता है ताकि लोग 9 बजे का जो कर्फ्यू लगा हुआ है उस समय तक अपने घरों तक पहुंच।